Om Ajnana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Shreshtam Manum Api Shakti Putra Matra Swarupam Rupam Tasyagrajam Urupurim Maturim Goshtavartim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Radha प्राप्त यस प्रतिथ कृपया श्रीगुरू थम नथस्मे वंदेहगुश्रीयथल कमल श्रीगुर श्री श्री वैष्णवा शिव श्री साग्रजा सहगण सा रघुनाथांता सा तम सजीव सावैम सावधूतं भरजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पद सहगरण ललिता श्री विशाखान्वीता हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे आज का विषय है आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता क्या है हम जो आंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ इस्कन के सदस्य है हमारा प्रचार है गीता यथारूप के अनुसार जिसका सारांश है गीता के में भगवान कृष्ण कहते मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी मांग नमस्करो मय वैश्यसी सत्यम थे फ्रजा नये प्रियोशिमय भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए सदैव मुझको चिंतन करो मेरे भक्त बन जाओ मुझको नमस्कार करो और मुझको पूजा अर्पण करो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे मैं प्रतिज्ञा देता हूँ अर्जुन को कहते कृष्ण प्रतिज्ञा देता हूँ कि तुम इस प्रकार मेरे पास आयोगे क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए परंतु पहले से अर्जुन कृष्ण के परम भक्त थे अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण हमको हम जो साधारण व्यक्ति है हमको उपदेश देते हैं भगवान कृष्ण जो बहुत पहले पाँच हजार सालों के पहले अर्जुन को बताए वो ज्ञान अभी तक उपयोगी है सबके लिए और ये ज्ञान का प्रचार करना इसकॉन का उद्देश्य है अर्थात हम सबको कहते हैं सब लोग की मुख्य कर्तव्य है उनके जीवन में मुख्य आवश्यकता है भगवान कृष्ण का उपदेश पालन करना जीवन समर्पण करना भगवान कृष्ण की सेवा में तो हम ऐसे प्रचार करते हैं और कुछ लोग सुनते हैं ग्रहण करते हैं परंतु अधिकांश सुनते भी नहीं और पालन भी नहीं करते सामान्य लोग ऐसे सोचते हैं कि हम ऐसे जीवन भीत है हम खाते पीते काम करते हैं हम कुछ विशेष पाप नहीं करते वो सही है सामान्य लोग तो लगभग अच्छे लोग कुछ है शैतान जैसे है परंतु अधिकांश व्यक्ति तो ऐसे अच्छे लोग हैं लेकिन प्रचार जो हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्णा का उपदेश इनके शरण में आना कृष्णा के शरण में आना वो बहुत से लोग उसको गंभीर से नहीं लेते आज तक भारत में लोग जो हिंदू परिवार में जन्म लिए हैं लगभग सभी किसी ना किसी प्रकार से भगवान कृष्ण को मानते कुछ लोग खस गणेश की पूजा करते हैं कुछ लोग खस शिव जी की पूजा करते कुछ लोग राम जी की पूजा करते हैं राम जो कृष्ण से अभिन्न है परंतु सामान्य लोग ऐसे सोचते हैं कि हम हम अच्छे हैं हम घर में पूजा करते हैं लेकिन इसको का प्रचार की बहुत सख्त पूजा जीवन समर्पण करना कृष्ण की सेवा में वो तो हम जो संसारी, हमारे लिए यही प्रचार तो उपयुक्त नहीं है तो आप सोचिए अर्जुन क्या साधु थे तो एक जरूर अर्जुन तो परम साधु थे तो लाल कपड़ा पहनने वाले नहीं थे गृह त्यागी त्यागी नहीं थे अर्जुन आर्ज, थे गृहस्थ क्षत्रिय वैसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण भगवद गीता ज्ञान प्रदान किए थे जिससे सब लोग समझ सकते कि भगवान कृष्ण का उपदेश सब के लिए है सब के लिए क्यों सब ऐसे क... है समाज समाज में कुछ बहुत पुण्यशाली लोग है और आम लोग तो वैसे है वैसे है जीवन बीतते हैं वैसे ही कुछ ज़्यादा बुराई नहीं करते और लेकिन साधु नहीं है Uh, क्यों हम सब को हैं कृष्ण नाम कृष्ण नाम प्रतिदिन साधना कीजिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और इसको के नियम है आ uh, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन चाय कॉफ़ी वो सब वर्जित hmm. है बहुत टफ है ऐसा पालन करने क्या आवश्यकता है कृष्ण भक्ति इतनी सख्त भक्ति करने क्या आवश्यकता है तो मैं बताता हूँ जो मैं बताता हूँ वो खुद की कल्पना से नहीं आते हैं इस सब जो मैं कहता हूँ वो सब शास्त्र और विशुद्ध वैष्णव परंपरा के आचार्यों का उपदेश के अनुसार है खुद की बात मेरी कुछ नहीं है मैं सेवक हूँ पूर्वाचार्यों के सेवक है तो क्यों सब लोग का गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति ग्रहण करने चाहिए क्यों बात यह है भगवान कृष्ण का एक बहुत 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 बहुत, बहुत ही आ महत्वपूर्ण उपदेश है लब्ध्वा सुदुर्लभमिद बहु संभवान्ते मानुषम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरा तुर्नम्यते यथेत न निश्रयसाय विषय खलु सर्वतस्यात् भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है बहुत 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 जन्म के पश्चात हम अवसर मिलते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करना शास्त्र से हम अवगत हो सकते कि चौरासी लाख प्रकार की जीव जाती है मनुष्य संख्या बहुत कम है आप देखिए दुनिया में कितने कीट क्रीमी पतंग है कितने मछली पशु अनु बहुत छोटे प्राणी है बहुत छोटे हैं कितने चित्ती है मनुष्य जाति का संख्या बहुत कम है बहुत बहुत जन्मों के पश्चात मनुष्य जन्म प्राप्त होते हैं। मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमारा विशेष कर्तव्य है विशेष कर्तव्य क्योंकि पशु, पक्षी कीट सबके पास कुछ बुद्धि है बुद्धि जो भगवान देते परंतु केवल मनुष्य जीवन में यथार्थ बुद्धि है काफी बुद्धि है जिससे हम इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं मैं कौन हूं कहाँ से आया हूं जीवन का उद्देश्य क्या है हम सब कुछ जो हम करते हैं हम सुख प्राप्ति के लिए ही करते हैं परंतु सुख मिलते और दुख भी मिलते और दुख बहुत मिलते दुख गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जो आव्याधि दुख चार प्रकार दुख है जो जिससे हम भाग जाना नहीं सकते जन्म होते वो एक प्रकार का दुख है नौ मास हमें जाना नहीं जा ठहरे पुनरापि जाननम पुनरअपि मारनम पुनरअपि जाननी जठ रे शायनम नौ मास हमे जेल में जैसे है बहुत अनाराम होते कष्ट बहुत बहुत कष्ट है उस स्थिति में और क्या है जन्म होता है मृत्यु होता है बीच में हम संघर्ष करते हैं और बहुत सारे प्रकार के दुख मिल मिलते हैं और वृद्धावस्था वो एक विशेष प्रकार का दुख है ये कितने प्रकार के दुख है असंख्य दुख माय की जगत दुख माय है और पुनरापि जननम पुनरापि मरणम हम बार बा बार जन्म लेते बार बार मृत्यु प्राप्त होते इस प्रकार का विचार करना संभव है केवल मनुष्य जीवन में मनुष्य के अलावा दूसरे जीव जाति जो है क्या कहते हैं आहार निद्रा भया मैथुन मनुष्य और पशु दोनों खाते पीते सोते हैं मैथुन करते हैं भयभीत होते आहार निद्रा भाया मैथुन हम समानम एथत पशु बेनारायणम हितोपदेश का उपदेश है कि मनुष्य भी करते और पशु भी करते क्या आहार निद्रा नींद आहार निद्रा भय और मैथुन दोनों करते <coughs> तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है ज्ञान ज्ञानो हितेशम अधिको विशेषम ज्ञान न ही न पशुनम ज्ञान विशेषकर आध्यात्मिक ज्ञान उसको प्राप्त करना संभव है मनुष्य जीवन में और यदि मनुष्य जीवन में हम प्रयास नहीं करते आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना अध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करना तो हमारा जीवन पशु का जीवन से अभिन्न तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम ऐसे प्रयास करना चाहिए जिससे हम ज्ञान प्राप्त करके वो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसार आध्यात्मिक प्रगति करेंगे आध्यात्मिक प्रगति क्या है उस प्रकार और, और कैसे होती है आध्यात्मिक प्रगति संभव है उस प्रकार की साधना करना जिससे हम अज्ञान से विमुक्त होंगे जिससे हम भौतिक आसक्तियां से मुक्त होंगे क्योंकि भौतिक आसक्ति से भौतिक बंधन होते बंधन उसको भाव बंधन बोलते और उससे पुनरापी जाना नाम पुनरापी मारानाम बार बार जन्म लेना है तो यही सब समझना संभव है मनुष्य जीवन में इसलिए भगवान वो श्लोक जो अभी पंचमिन के पहले बोला कि एक बहुत 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 बहुत, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है लब्धवासु दुर्लभ में दम बहु संभव भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभी भगवान कृष्ण यही श्लोक उद्धव को बताए और उद्धव का माध्यम से सबको ज्ञान उपदेश दिए थे तो भगवान कृष्ण कहे कि मानव जन्म सुदुर्लभ बहुत जन्म के पश्चात प्राप्त होते हैं तो अभी प्राप्त किया है अभी यही उपदेश जो प्राणी सुन सकते जो व्यक्ति सुन सकते तो मनुष्य होने चाहे ना? तो मनुष्य ये सब समझ सकते और यदि दुर्लभ मानव जन्म में हम प्रयास नहीं करते भव बंधन से मुक्त होना तो हम दूसरे श्रेय में प्रवेश करेंगे पशु पक्षी कीट आदि और हमारा अवसर वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना तो नष्ट हो जाएगा और बहुत 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 समय के बाद हम दूसरी बार मिलेंगे मनुष्य जन्म प्राप्त करना <coughs> तो अभी अवसर है लब्धवा सुब अभी प्राप्त किए हैं लब्धवा सुदम बहुसंभव अंत मनुष्यम अर्थदम मनुष्य जन्म का विशेष अर्थ है और मनुष्य जन्म में वो अर्थ परमार्थ प्राप्त करना संभव है मनुष्यम अर्थदम अनित्यम तो एक और बात है मनुष्य जन्म के बारे में तो जैसे सभी जन्म वैसे है अनित्य हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे जन्म लिया है और कुछ दिन के बाद मृत्यु होगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब दुख होते परंतु अनित्य दुख मानव जन्म में अवसर है आध्यात्मिक प्रगति करने इसलिए हमें धीर होना चाहिए धीर का मतलब ठंड बुद्धि से यही सब विचार करना चाहिए क्या है आधुनिक समाज में रजोगुण जो रजोगुण बहुत उसका प्रभाव बहुत है इसलिए लोग बहुत व्यस्त रहते हैं इधर उधर जाते हैं हमेशा उनके मन विचलित रहते हैं धीर होना चाहिए मन को थोड़ा ठंडा होना चाहिए जिससे हम बुद्धि से उच्च बुद्धि से ये सब विचार कर सकते हैं धीर तो होने से हमें क्या समझना चाहिए कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है मुझे मृत्यु के पर हूं तो मृत्यु के पहले मुझे वैसे काम करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा और यदि हम विचार करते तो ओ, क्या या, क्या ये सब है तो दुनिया में बहुत अच्छी चीज है नहीं तो मुझे एंजॉय करना चाहिए भोगना चाहिए मुंबई चौपाटी में वो फारसान का हॉट लॉ आइसक्रीम और नेटफ्लिक्स पर यूट्यूब पर हम फिल्म देख सकते मूवी देख सकते तो ये सब आध्यात्मिक प्रयास करने की क्या आवश्यकता है आवश्यकता है ये क्योंकि हर एक जन्म में इंद्रिय सुख प्राप्त होता है ये सब फारसान खाना आइसक्रीम खाना आ मूवी देखना गर्लफ्रेंड से बात करना तो ये क्या क्या है इंद्रिय सुख हर एक जन्म में इंद्रिय सुख प्राप्त होते हैं परंतु केवल मनुष्य जीवन में यही अवसर है आध्यात्मिक प्रगति करना तो इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति करना त्यागी होना की आवश्यकता नहीं है जैसे अर्जुन तो त्यागी नहीं थे गृहस्थ थे परंतु जो भी स्थिति में हम हैं तो उसी स्थिति में हम जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति होने चाहिए कृष्ण भक्ति का मतलब आध्यात्मिक जीवन के उत्तम स्तर तो यही सब विचार विमर्श बहुत लंबी बातें का विषय है अभी यही सात्र में ज्यादा समय नहीं है ये सब चर्चा करना यही सात्रा ये कथा एक भूमिका है तो पारमार्थिक जीवन क्या है क्या कैसे पारमार्थिक जीवन पालन कर करना है क्यों हम विशेषकर कृष्ण को मानते हैं ये सब नियम पालन करना की क्या अवश्य क्या आवश्यकता है ये सब बातें मैं यदि कृष्ण और सब भक्त की दया हो मेरे ऊपर मैं प्रयास करूँगा दूसरी बार ये सब कहना आज यही बात को मैं विशेष जड़ देना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करना चाहिए आवश्यकता है जिससे हम बार बार जन्म नहीं लेंगे जिससे हम वास्तविक प्रेमानंद आध्यात्मिक परमानंद प्राप्त करने के लिए आ हम उपयोगी होंगे तो और बहुत 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 कहना चाहिए ये विषय के बारे में परंतु अभी ये छोटी कथा का विराम करता हूँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम Rama, Rama, hurry, hurry.